नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है देसी कढ़ी रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम देखिए हींग जीरा पीस कर लिए हुए हैं, और ये देखिए अदरक लहसुन और हरा मिर्च का बना हुआ पेस्ट लिए हैं और बेसन लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चावल बनाते हैं। कढ़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चावल बनाने के लिए चूल्हे में जलाते हैं आग। आज मैं कुकर में एकदम देसी तरीके से चावल बनाने वाली हूँ, जैसे कि हमारे गांव देहात में बनाया जाता है। कुकर को मैं रख दी हूँ चूल्हे पर और इसमें डालती हूँ पानी। पानी को डालने के बाद इसे ढक्कन लगा देते हैं गर्म होने के लिए, और ढक्कन को हम बंद नहीं करेंगे, बस ऊपर से रखेंगे ऐसे ही। और यहाँ पर हम लिए हैं चावल। चावल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल को धोकर साफ कर लिया है और इधर पानी भी गर्म हो गया है। अब चलिए चावल को इस कुकर में डाल देते हैं। सभी चावल को डालने के बाद इसे पलटे से चला देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं पकने के लिए। जब तक चूल्हे पर चावल पक रहा है, इधर मैं कढ़ी बनाने के लिए बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ पतंजलि का बेसन, इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ और इसका फुलौरी में बनाने वाली हूँ, तो इसमें कुछ मसाले तो डालूंगी ही। तो मसालों में डाल रही हूँ एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच अदरक लहसुन और हरा मिर्च का बना हुआ पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको एकदम गाढ़ा जो है कि घोल बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हाथों से फेंटेंगे। अगर जितना बढ़िया फेंटेंगे ना, उतना बढ़िया जो है कि इसका फ्लोरी बनेगा एकदम फूला फूला। तो इस तरह से हाथों से एकदम दबा कर अच्छे से फेंटना है। तो ये देखिए, ये एकदम बढ़िया बैटर इसका जो है कि तैयार हो गया है। और इसे चेक करने के लिए देखिए, यहाँ पर मैं पानी ली हूँ लोटा में और इस तरह से थोड़ा सा बैटर इसमें डालती हूँ। अगर ये बैटर ऊपर की तरफ आ जाए तो समझिए ये अच्छे से फिटा गया है। तो ये बैटर अच्छे से फिटा गया है, देखिए ऊपर की तरफ आ गया है। और चलिए देखते हैं, इधर हमारा चावल भी पक गया है। तो चावल को चूल्हे से नीचे उतार देती हूँ और चूल्हे पर रखती हूँ कढ़ाई फुलौरी बनाने के लिए। अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, और जब भी आप लोग पकौड़ी बनाइएगा तो सरसों के तेल में ही इसका फुलौरी छानिएगा, तभी इसका जो है कि मज़ा आएगा। हालांकि आप रिफाइंड तेल में भी छान सकते हैं, लेकिन जो मज़ा सरसों के तेल में रहता है वो रिफाइंड के तेल में नहीं रहता है। तो इसमें हम नमक डालना भूल गए थे, तो अभी थोड़ा सा जो है कि नमक डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, ताकि सभी जगह अच्छे से नमक मिक्स हो जाए। और इधर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो चलिए छोटा छोटा इसमें फुलौरी इस तरह से जो है कि तोड़ते हैं। तो जब बेसन अच्छे से फेटा रहेगा तो एकदम फूला फूला जो है कि ये फुलौरी बनेगा। तो आप देख सकते हैं तेल में डालते ही ये जो है कि फूल कर एकदम उभर जा रहा है। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और ये बहुत बढ़िया फूल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, सभी फुलौरी एकदम मस्त एकदम गुब्बारे की तरह जो है कि फूली हुई है। और इस तरह से पलटे से इसे चला देते हैं, ताकि जो है कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर एकदम गोल्डन हो गया है। तो चलिए इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। अगर आप इस फ्लोरी को हाथों से नहीं बना सकते हैं तो इस तरह से
थोड़ा थोड़ा चम्मच से लेकर इस तरह से तेल में गिराइए, ये अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट हाथों से बना लेती हूँ क्योंकि हाथों से जल्दी होता है बनाने में। तो ये देखिए, ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे भी हम थाली में निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बाकी का बचा हुआ बैटर है सभी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम गरम गरम फुलौरी है, आप इसे ऐसे चटनी के साथ सूखा भी खा सकते हैं। कढ़ी बनाने के लिए फुलौरी को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए कढ़ी का ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं थोड़ा सा बेसन और बेसन के 3/3 के करीब इसमें हम दही डाल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कढ़ी में दही डालते हैं तो कढ़ी फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को कढ़ी में दही डालने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो आइए दोस्तों, वो सीक्रेट बात आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप कढ़ी में दही डालिए तो आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी और एकदम टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप कढ़ी में दही डालिए तो बेसन में ही दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तो इसमें बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा और बेसन लिए हैं और इसमें दही लिए हैं और कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में लिए हैं जीरा पाउडर और हींग, और इसमें नमक भी मिक्स किए हैं और हल्दी पाउडर। सभी को जो है किसी में डालकर अच्छी तरह से फेंट लेते हैं और इसे एकदम अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठली न रहे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से अच्छी तरह से फेंट कर तैयार करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एकदम बढ़िया जो है कि इसका ग्रेवी बन गया है और इसमें हम पूरा पानी डाल देते हैं और अच्छी तरह से जो है कि इस तरह से घोल लेते हैं। और यहाँ पर हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी ले रहे हैं और हल्दी का भी घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए सभी सामान को तैयार कर लिए हैं। अब चलिए चूल्हे पर रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में तेल पहले से ही पड़ा हुआ है, अब हम इसमें मेथी का तड़का लगाते हैं। तड़के को अच्छी तरह से लाल होने देते हैं जब तक कि मेथी का सुगंध आने न लगे। तो ये देखिए, अब मेथी का सुगंध एकदम अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें करी पत्ता डाल देते हैं। वाव, क्या बात है, बहुत अच्छा जो है कि तड़का लगा हुआ है। और इसमें हम डाल देते हैं ये हल्दी का घोल। अब इसे पलटे से हम चलाएंगे और हल्दी को अच्छी तरह से भूनते हैं। तो ये देखिए, अब हल्दी पकने लगी है और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो हल्दी को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं अदरक लहसुन और हरा मिर्च का बना हुआ पेस्ट, इसे भी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से भूनते हैं। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हम बेसन का घोल तैयार किए हैं। इसे डालने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में चिपकने लगेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इस तरह से। तो इसमें हम 1 लोटा और पानी डाल देते हैं ताकि ये तली में चिपके नहीं और ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। तो जब भी कढ़ी बनाइए तो इसे पलटे से आप लोगों को बराबर चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा कि कढ़ी तली में चिपक जाएगी और इसका स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये कढ़ी में उबाल आ रहा है, बहुत बढ़िया से ये कढ़ी पक रही है और बहुत बढ़िया बनने वाली है ये कढ़ी। इसकी ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है और लगभग लगभग ये कढ़ी हमारी पक भी गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं फुलौरी। ये देखिए दोस्तों, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ये कढ़ी और बहुत बढ़िया लगेगा इसका टेस्ट भी। तो यहाँ पर हम सभी फुलौरी को डाल दिए हैं, अब इसे चला देते हैं कलछुल से। तो ये देखिए दोस्तों, ये कढ़ी जो है कि अब पक रही है। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं क्योंकि इसमें हम पहले से ही थोड़ा नमक डाले हुए थे, थोड़ा सा और डाल देते हैं।
अब इसे पकने देते हैं ताकि इस फुलौरी में रसा थोड़ा सा भर जाए और ये फुलौरी भी जो है कि अच्छी तरह से मुलायम हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, कढ़ी हमारी पककर तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया जो है कि देखने में लग रहा है। और आप लोग भी इस तरह से इस कढ़ी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। कढ़ी पककर तैयार हो गई है, अब हम इसमें लगाते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हम लिए हैं लहसुन, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता। लहसुन को हम कलछुल में लाल करते हैं और इसमें डाल देते हैं सूखी लाल मिर्च। अब हम इसमें डाल देते हैं करी पत्ता। इन सभी को अच्छी तरह से लाल होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर आने के लिए, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये तड़का हमारा तैयार हो गया है, अब चलिए इस कढ़ाई में लगा देते हैं। वाओ, कढ़ी तो हमारी एकदम मस्त बनकर तैयार हो गई और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तड़का लगाने से ना इसका स्वाद पूछिए मत कितना बढ़ जाता है और कितना बढ़िया लगता है खाने में। दोस्तों इस तरह से इस कढ़ी को आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और अपना अनुभव मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये रहा एकदम देसी तरीका बनाने का, देसी तरीके से बना हुआ खाना खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये चावल भी तैयार हो गया है, इसके साथ हम प्याज काटे हैं और फुलौरी लिए हैं और ये रहा गर्मा गर्म कढ़ी। तो चलिए दोस्तों ये थाली हमारी तैयार हो गई, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में बने बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।